हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है हमारे चैनल पे। आज हम आए हैं बनारस, और बनारस तो आपको पता ही होगा कि किस चीज़ के लिए फेमस है, बाबा विश्वनाथ मंदिर और 80 घाट, दशाश्वमेध घाट। तो आइए हम ले चलते हैं उन सभी जगहों पे आपको, और दिखाते हैं वहाँ का व्यू कि कैसा है, क्या है। मिलिए, ये है मेन गोदावलिया चौराहा का व्यू। देखिए हर तरफ बिल्डिंग कलर जो है सेम है, और देख सकते हैं आप ये गोदावलिया चौराहा का व्यू है। गाइस ये देखिए बिल्डिंग, और ये व्यू है। ये रास्ता सीधा दशाश्वमेध घाट जाता है। इस रास्ते का इसका व्यू देखिए आप, ज़बरदस्त लग रहा है। और ये काफ़ी रश होता है इस पर, अभी तो कम है, काफ़ी भीड़ होती है इस रास्ते पे। और बिल्डिंग के कलर्स देखिए, सारी जगहों पे बिल्कुल सेम कलर मिलेंगे। देखिए काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे। तो गाइस ये है विश्वनाथ गली, ये देखिए बनारस का नज़ारा दशाश्वमेध घाट। जबरदस्त व्यू है यहाँ। भर लो बेटा, ये देखिए हम दशाश्वमेध घाट पे हैं बनारस के अंदर। और ये यहाँ पे बोटिंग के लिए कुछ बोट्स हैं, और ये घाट के मंदिर। और ये करीब से दिखाते हैं नदियों का बहाव, गंगा ज़बरदस्त बहाव पे है इस टाइम पे। हम दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल पास में हैं, और व्यू देखिए आप देख सकते हैं, भी व्यू दिखाते हैं आपको। तो यहाँ काफ़ी सारी बोट्स भी खड़ी हैं, और पर्यटक आते हैं यहाँ पे और बोट में बैठ के काफ़ी मज़े लेते हैं यहाँ पे। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, और काफ़ी तेज़ बहाव है, आप देख सकते हैं नदी का बहाव कितना तेज़ है। मैं करीब करके दिखाता हूँ, काफ़ी तेज़ बहाव है नदी का। और ये व्यूज़ बिल्कुल घाट के ऊपर का ही है, और काफ़ी बिल्डिंग्स है यहाँ पे, मार्केट एरिया भी है यहाँ पे। ये दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल ऊपर की ये पुरानी बिल्डिंगें हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, और पर्यटक आते तो वो भी स्टे करते हैं। जिनको स्टे करना हो पास में, लोग स्टे कर सकते हैं। ये दशाश्वमेध घाट का व्यू है पूरा। और ये हम इस ट्रायंगल पे खड़े हैं, ये तिराहा है जो राइट साइड में जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता अलग जाता है, और ये रास्ता जो जाता है, ये रास्ता जाता है दशाश्वमेध घाट। और सामने एक टेंपल है, और सामने हम विश्वनाथ गली, जो बड़ा सा गेट बना हुआ है वो विश्वनाथ गली है। ये व्यू देखिए, ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का, बिल्कुल ही अलग व्यू लग रहा है, हर तरफ बिल्डिंग एक ही कलर की। और ये हम बिल्कुल पास चल रहे हैं, अब विश्वनाथ गली की तरफ बढ़ रहे हैं। हर तरफ यहाँ पे खाने पीने से लेके हर चीज़ों की दुकानें हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रीट लग रहा है। आगे पूरा ये रोड ऐसे ही है, ये काफ़ी इस रोड पे रश होता है, बट इस टाइम पे अभी रश कम है, अभी मॉर्निंग टाइम है, अप्रॉक्सीमेट 10 बज रहे हैं। और ये हम अब विश्वनाथ गली में जा रहे हैं। ये है बाबा विश्वनाथ गली, और ये है नवरात्र टाइम चल रहा है, काफ़ी रश है यहाँ पे, देख सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ की शॉप है, मिठाइयों से लेके हर एक चीज़ की शॉप है यहाँ पे, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम्स नहीं होनी है। कॉस्मेटिक्स की भी शॉप है, देख सकते हैं। ये बाबा विश्वनाथ गली के अंदर का व्यू है, जो बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू है। काफ़ी रश है, ये देखिए सारी चीज़ों की। देख सकते हैं आप, ये प्रसादी की शॉप्स है यहाँ। ये आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक्स है। एंट्रेंस करते ही आपको खाने पीने से लेके हर एक तरीके की चीज़ें मिलेंगी, और हर एक चीज़ों की शॉप है यहाँ पे, किसी भी चीज़ का आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला। तो गाइस हमने इस वीडियो में आपको दशाश्वमेध घाट, काशी विश्वनाथ गली और कचौड़ी गली दिखाई,
और इससे रिलेटेड और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बुदौले चौराहे से दशा समेत घाट के बीच में जो स्ट्रीट है, जो कि बहुत बड़ा मार्केट एरिया है, वो सारी वीडियोस भी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहे हमारे चैनल पर। आपको बहुत जल्द इसका सेकेंड पार्ट भी मिलेगा और फूड और ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।